एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि सैंपलिंग ज़्यादा होने और टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे कई सारे पेशेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। रायगंज, हुमायूंपुर में थाना गोरखनाथ और थाना राजघाट में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग द्वारा कई सारे पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। वहां पर भी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। केस बढ़ने का कारण पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए हुए लोग हैं, उनको तुरंत टेस्ट कराकर आइसोलेट किया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति बचने ना पाए, उनको तुरंत मौके पर ही आइसोलेट किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना शाहपुर और थाना गोरखनाथ में लॉकडाउन चल रहा है। आज फिर से दोनों एसओ को बोला है कि लॉकडाउन का पूर्णता पालन किया जाए। थाना गोरखनाथ में भी दो पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। गोरखनाथ थाने को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। कैंट थाने में भी 4 पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको स्पोर्ट्स कॉलेज में रेफर कर आइसोलेट किया गया है। थाना शाहपुर और थाना गोरखनाथ में लॉकडाउन चल रहा है। अगर स्थिति ऐसी ही रही और संख्या कम नहीं होगी तो आगे भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, हमने दो जगह कैंप भी लगाया था, रायगंज में और हमायूंपुर में थाना गोरखनाथ और थाना राजघाट में। तो वहां पे भी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से कई सारे पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, एंटीजन पॉजिटिव आए हैं, उनको भी शिफ्ट कराया है, हॉटस्पॉट क्रिएट किए हैं। अभी केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो भी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोग हैं उनको तुरंत उनको डेटा इकट्ठा करके तुरंत उनका टेस्ट करा रहे हैं, जिससे कोई भी संक्रमित व्यक्ति बच ना पाए और उसको तुरंत ही मौके पर टेस्ट करा के उसको आइसोलेट कर दिया जाए। इसी वजह से सैंपल भी ज्यादा हो रहे हैं, टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है और इसी वजह से हमारे केसेस भी बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में थाना शाहपुर और थाना गोरखनाथ में लॉकडाउन चल रहा है। आज फिर से एसओ दोनों एसओ को हमने बोला है कि लॉकडाउन कंप्लीट पूर्णतः पालन किया जाए। थाना गोरखनाथ में भी 2 आरक्षी हमारे पॉजिटिव पाए गए रात में, उसको भी 48 घंटे के लिए हमने थाना गोरखनाथ को भी सील कराया है। और आज थाना कैंट में भी 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं, उन लोगों को भी हमने स्पोर्ट्स कॉलेज में भेज के उनको भी आइसोलेट किया है। तो इसी क्रम में कल भी हम 3 जगह हमारा कैंप लग रहा है, रायगंज में, कोतवाली में दीवान बाजार और नेपाल क्लब में। कल हम पत्रकार बंधु हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं उन लोगों का भी हम कैंप लगा रहे हैं नेपाल क्लब में। तो वो लोग भी अपना किसी फील्ड की जॉब रहती है तो उनका भी हम टेस्ट कराएंगे। तो इसी तरीके से कैंप का आयोजन किया जाए कर रहे हैं। और हमारे जो अर्बन पीएससीज हैं, 20 अर्बन पीएससीज हैं, वो भी कल से स्टार्ट कर देंगे। आज उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्वास्थ्य विभाग में, पीएमओ ऑफिस में, कल से वहां पे भी सैंपलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक वहां सैंपलिंग होगी और वहां पर भी आप अपना सैंपल देके कर सकते हैं। एक हमारी बिछिया में आरपीएफ अकेडमी है, वहां पे 8 महिलाएं हमारी जो कांस्टेबल रिक्रूट हैं वो भी पॉजिटिव पाई गई हैं। आज वहां के आरपीएफ अकेडमी के प्रिंसिपल सर, उनका फोन आया था तो वहां पर भी हम मास टेस्टिंग कराएंगे। वहां पर भी लगभग 350 से अधिक हमारे कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है आरपीएस की, तो उनको भी टेस्ट के लिए हमने डेट बोला है, तो उनको भी टेस्ट कराएंगे। तो हम सैंपल ज्यादा करा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोक रहे हैं। बस आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, मास्क पहन के रखें, संक्रमण फैल रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहें।